माई चैनल। और अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, बट मैं नहीं हुई हूँ रेडी रेडी। और यहाँ पर टीवी भी चल रही है, टीवी में चल रही है पोयम निशु के लिए। हाँ, आपको तो स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है आपको, अभी चला रही हूँ रुको। और यहाँ पर जो है मम्मा मेथी का परांठा रेडी कर रही है, और ये सारा सामान है। यहाँ पे मम्मा अपना काम कर रही है, यहाँ पे ए नो टीवी बात नहीं लग, तब चला देते हैं इसकी पोयम। अब मैं गेट से बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि पोयम बज रही है इसलिए। और बहुत से लोगों को मैंने ये घर अपनी हाउस टूर में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये पूरा स्टडी टेबल, अलमीरा, बेड, मम्मा की अलमीरा और ड्रेसिंग, बाथरूम, ये पूरा घर है हमारा। सेकंड रूम जिसको हम कभी नहीं दिखाते लेकिन आज दिखा दिया। सो गाइस, अब मैं लंच करते वक्त आपसे मिलती हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं क्योंकि पोयम इतनी जोर जोर से बज रही है, आपको मेरी आवाज़ समझ नहीं आएगी। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 6 और हो चुकी है शाम। और मैं बता दूँ कि मैंने एक टेस्टी वाली डिश बनाई है, अब इसका नाम मैं क्या रखूँ मुझे ही नहीं पता, क्योंकि मैंने क्या बनाया मेरे को भी नहीं पता। और जो बनाया है ना, लेट मी शो यू, और आप कमेंट्स में बताना कि ये क्या होता है। एक सेकेंड, आप लोग कैसे बताएंगे जब ये मैंने बनाई है। आई टेल यू द इंग्रेडिएंट्स, इसमें मैंने डाले हैं पत्ता गोभी के छिलके, टमाटर, मिर्ची, अदरक, मटर और फिर कुछ राई मसाला, हिंग और पुदीना और हल्दी और लाल मिर्ची, नमक एंड ऑल एंड ऑल। और ये बन गई है हमारी डिश। सो लेट्स टेस्ट कि मैंने मेरे ही हाथों से कैसी बनाई है। मटर ज़रूर लेंगे, एंड आई रियली डोंट नो कि ये है क्या, बोलूँ क्या, मैं नाम क्या रखूँ। आई थिंक मुझे इसका नाम बीस्ट रखना चाहिए, बीस्ट डिश। बीस्ट इसलिए क्योंकि इसमें एक बीस्ट जैसी बात हुई है। ओह माय गॉड, आई रियली डोंट नो हाउ वाज इट्स टेस्ट, बट लेट्स सी। आई डोंट डिसाइडेड, आई थिंक मैंने मिर्ची ज़्यादा कर दी है इसमें, है टेस्टी लेकिन क्या ही बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पत्ता गोभी की सब्जी खाई है और मटर टमाटर की सब्जी खाई है। इट्स रियल लाइक दैट टेस्ट। चलते हैं निक्की आंटी को टेस्ट कराते हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है कि इसका टेस्ट है क्या और क्या है क्या, तो मैं आंटी से पूछती हूँ इसका नाम क्या रखा जाए। तो गाइस मैं लेकर आ चुकी हूँ, अब निक्की आंटी को टेस्ट कराते हैं कि ये है क्या। ये आंटी मैंने बनाया है, क्या है ये मुझे भी नहीं पता, मैंने वैसे अपने दिमाग से बीस्ट नाम रखा है डिश का, पता नहीं कैसा लगे, मैंने अभी तक नहीं चखा। अदरक की सब्जी, अदरक सी खोलता हुआ तेल, खोलता हुआ तेल, क्या नाम बीस्ट रखा है इस डिश का, बट ये है अच्छी, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है। आंटी ने भी खा ली, आंटी ने बोला सिर्फ अदरक का टेस्ट आया है। और यहाँ पे बन रहे हैं टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे, मेरा हमारा पहला भटूरा, ये सेकंड भटूरा है। और यहाँ पर छोले हैं, लेट मी शो यू, ओह वाओ सो नाइस। और यहाँ पे वो बनाया ना, मम्मा यहाँ पे प्याज काट रही है, दोनों आंटियाँ बना रही है, अभी ज्योति आंटी नहीं है यहाँ पे। और ये देखो, मैं नहीं बना रही थी, मैं बस आई थी। अच्छा, सब कुछ आंटी कर दी, आंटी कर दी, आप देख सकते हैं सो क्यूट, इट्स रियली लाइक। और आपने देखा रिएक्शन। सो गाइज, अब मैं पापा को खिला रही हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन। ये है पापा, सच सच बताना कि आपको कैसा लगता है। आनंद आ गया, मुझे भी बहुत पसंद आया।
आंटी ने गलती से अदरक खा लिया। आई थिंक मुझे इसमें अदरक की ऐड ही नहीं करना चाहिए था, मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। और पापा, मैंने इस डिश का नाम रखा है बीस्ट, बिकॉज ये उस हिसाब से ही लग रहा है कि ये बीस्ट हो गया है। ओके, सो आप इसको पूरा खाना चाहते हो? ओके, मैं खा लूँगी फिर, मेरे को भी बहुत अच्छे लगे ये। और आपको हर एक व्लॉग में, मतलब हर एक में तो नहीं, कभी ना कभी व्लॉग में मैं आपको ये उठपटांग चीज़ें बनाती हुई ज़रूर दिखूँगी, क्योंकि ये मेरा है काम इसको बनाना। अभी इसको रख देते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डाइटिंग पे हूँ और मुझे भूख नहीं लग रही, मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं खाऊँ। सो गाइस, मेरा जो है वो सर दर्द हो रहा है, मुझे आई साइड का चेकअप कराना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम है, फिर कोई नींद के कोई चक्कर है, क्योंकि आजकल मैं सोती हूँ, मैं स्कूल से आती हूँ तो मैं सो रही हूँ बहुत तेज, हो क्या ही बताऊँ, अभी जैसे तैसे करके रील बनाई है ऐसे। और डिनर कर लिया मैंने छोले भटूरे का, और अपने देख ही लिया छोले भटूरे बन रहे थे, लेकिन एक्चुअली खाते हुए वाली क्लिप मैं आपको कल के व्लॉग में दिखा दूँगी, सॉरी, क्योंकि आंटी का फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है और आंटी को अब मैं उठ के ये भी नहीं भूल सकती, फ़ोन को चार्ज करा के वीडियो भेज दो, रात वैसे हो गई तो मेरे को सोना है, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और आपको बताऊँ, मैंने ना अपना टाइम टेबल बनाया है और मैंने एक दीवार पर पेस्ट कर दिया, और उसके अंदर मैंने बनाया है डेली टाइम टेबल, जिसके अंदर एक टेप चिपकाई मैंने सैलो टेप, और उसके ऊपर मार्कर से लिखो और मिटा दो, ऐसा मैंने बनाया है। उसके अंदर ये लिखना है कि आज आप इतने बजे ये करने वाले, इतने बजे ये करने वाले, इतने बजे ये करने वाले, दिखाती हूँ मैं यहीं से, देखो वो रहा मैंने दीवार पे चिपका दिया। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये सारे जो है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब मायने रखते हैं। और फिर ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो जो कॉलम हैं, ये दो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मंथली नहीं है, मतलब इनको मैं कभी भी बाद में कर सकती हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट इट्स ओके, पढ़ाई के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। और 6 घंटा टोटल मैं पढ़ूँगी आज से लेकर सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम तक नहीं, पूरे साल 12th क्लास तक ये चीज़ मुझे करनी है। आई होप यू एंजॉय माई वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम चेप्स चैलेंज अभी नहीं कर सकते, मतलब इन दिनों में तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करूँगी कि 22 डेट के बाद कर सकूँ। ओके, सो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppets.